change. वैसे तो इसमें कुछ दिखता ही नहीं. तो बात करते हैं आज WhatsApp के बारे में. तो भाई WhatsApp जो है वो यहाँ पर नए नए अपडेट लेकर आता है, जो कि अपडेट इसलिए लेकर आए कि जो अब जहाँ तक बात की जाए WhatsApp की, तो WhatsApp को हैक करने की कोशिश की जाती है हर वक्त हर टाइम. और जहाँ तक बात की जाए तो नए यूजर्स यहाँ पर WhatsApp पर जुड़ते हैं, उसके कारण यहाँ पर WhatsApp को हैक करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है. और इसको देखते हुए WhatsApp जो है वो नए नए अपडेट लेकर आता है. तो ऐसे में अभी हाल ही में NSO जो ग्रुप था उन्होंने हैकिंग करने की कोशिश की WhatsApp में कुछ यूजर्स की, जो कि 1400 से भी ज़्यादा यूजर्स को हैक करने की कोशिश की थी. तो भाई इसको देखते हुए WhatsApp ने अपडेट लेकर आया. तो भाई ऐसा होता है कि कुछ अपडेट से फायदा भी होता है, कुछ अपडेट से नुकसान भी होता है. तो कुछ अपडेट ऐसे आते हैं कि जो आपके मोबाइल में प्रॉब्लम होती है या फिर बग वगैरह होता है तो उसको ठीक कर देते हैं. और कुछ अपडेट ऐसे भी आते हैं WhatsApp के कि जो प्रॉब्लम नहीं होता फिर भी प्रॉब्लम हो जाता है. तो भाई इसको देखते हुए यहाँ पर WhatsApp 2.90 का अपडेट लेकर आया. अब यहाँ पर जो अपडेट आया उसकी वजह से जो कि बहुत से प्रॉब्लम आ रहे हैं. हालांकि बात की जाए तो बैटरी का बग देखने को मिल रहा है वो 2.90 अपडेट से. तो भाई बात की जाए तो इसमें सबसे जो हाईएस्ट बग है वो यहाँ पर Xiaomi और OnePlus के मोबाइल में ज्यादातर देखने को मिल रहा है, जो कि OnePlus का OnePlus 70 मोबाइल में भी आपको इसमें बग देखने को मिल रहा है. इसके अलावा बात की जाए तो यार बहुत सी शिकायतें दर्ज कराई जा रही है, जो कि रेडिट या फिर OnePlus फोरम में यहाँ पर शिकायत कर दी जा रही है यूजर्स की तरफ से. और कहा जा रहा है कि जहां तक बात की जाए बैटरी बैकअप को लेकर, तो एक यूजर्स का कहना है कि 2 घंटे में 25% से भी ज्यादा बैटरी जो है वो यहाँ पर WhatsApp यूज कर रहा है. तो भाई इससे बहुत सी प्रॉब्लम भी आ रही है जिस बैटरी की बग के वजह से. अब यार इस अपडेट से कुछ यूजर्स का कहना है, कुछ यूजर्स ने यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर लिखा है कि यार 40% से भी ज्यादा बैटरी जो है वो यहाँ पर WhatsApp यूज कर रहा है, यानी कि WhatsApp जो है वो 40% से भी ज्यादा जो बैटरी है वो यहाँ पर खत्म कर रहा है. तो यानी कि जहां तक बात की जाए तो एक यूजर्स का कहना भी है कि यूजर्स ने कहा है कि भाई जो WhatsApp है वो बैकग्राउंड पर ऑटोमेटिकली चल रहा है अपडेट करने के बाद. तो ऐसे में बहुत से प्रॉब्लम आ रही है अपडेट्स को लेकर. तो ऐसे में अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप Xiaomi वगैरह का मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो और अगर आपने अपडेट किया है WhatsApp को हाल ही में, तो आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है. तो ऐसे में कुछ घबराने वाली बात नहीं है. WhatsApp ने हाल ही में कहा है कि WhatsApp जो है वो फिर से एक अपडेट लेकर आएगा जो बैटरी बग के लिए होगा, और इस अपडेट से जो आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है तो उसको दूर कर दिया जाएगा. तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है. तो इससे मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे सकूं इस वीडियो में. तो ऐसे में हाल ही में WhatsApp ने कहा है कि आने वाले टाइम में और भी चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं. तो ऐसे में देखेंगे WhatsApp आने वाले टाइम में और क्या नया लेकर आता है. तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही. वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद. वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना देना, क्योंकि हम लाते रहेंगे रोजाना ऐसे ही नए नए वीडियो. तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र.